तो हे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और आप सभी को राम राम जी चक्कू छोड़ के। और डैडी मेरे आ गए, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है अपने डैडी के लिए मैं बना रही हूँ, क्या कहते हैं, सत्तू का पराठा। और सत्तू जो है वो घर पे ही चना था। एक मिनट दिखाऊं मैं आपको पहले। बाबा, ये देखिए, जो ऐसे मार्केट के चने होते हैं ना, ये देखिए, इस मार्केट के चने होते हैं, इसे ही मैं पीस के बनाई हूँ। हम लोग चने का भुजा और चावल का भुजा ये सब बहुत खाते हैं, तो इसे ही पीस के मैं बना ली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये बन गया। और ये ओरिजिनल, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जो आप लोग ये नींबू देख रहे हैं ना, तो मैं पनीर फाड़ने जा रही हूँ डैडी के लिए। सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी कच्चा पनीर दे दूंगी। तो यहाँ पे दूध रखी हूँ उबलने के लिए, तो जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक मैं इसे तैयार कर दूँ। हम लोग मेरा घाटी बोलते हैं, जितना मेरा घाटी है उतना ही ये प्याज है, भर भर के देखिए। और ना दोस्तों, मैं आप सभी को अपने पापा से मिलवाऊंगी, मैं डैडी बोलती हूँ, तो आप सभी को मिलवाऊंगी। मैं आटा पहले से ही गूंथ के रख ली हूँ। मैं हरी मिर्च नहीं है, बाबू के पापा से बोली हूँ लाने के लिए। अगर ला देते हैं तो ठीक है। ये ना मेरे ससुराल का मिर्चा है, ये देखिए। अरे बाबा, कितना बड़ा, लेकिन ना एकदम सॉफ्ट है। मेरी सासू अम्मा दी है। अरे बाबा, मैं बोली ना बहुत सॉफ्ट है, देखिए एकदम ऐसे कर दे ही पूरा निकल गया। इतना डालूंगी तो नुकसान करेगा? नहीं बाबा, इतना नहीं डालूंगी, थोड़ी सी बचा दे रही हूँ मैं। उमेश भैया खाते हैं मन से, उनको दे दूंगी। दुलाइन भी नहीं है, दुलाइन अपनी मम्मी किधर गई है, तो उमेश भैया को थोड़ी सी मैं दे दूंगी इसमें से। और अभी हरा धनिया और सोया ऐड करूंगी। ये रेडी हो गए, देखिए पानी अलग हो गया है, देख लिया आप लोग, पानी अलग हो गया। तो है दोस्तों, यहाँ पे मैं पनीर ऐसे कपड़े से जो है छलनी में डाल के और इसको पनीर को निकालूंगी। और सर्दी का मौसम है तो इसे रात भर बाहर ही रहने दूंगी, मैं फ्रिज में नहीं भी रखूंगी तो नहीं ख़राब होगा। यहाँ पे ये दूध फट गया, पनीर बन गया। सुबह जो है डैडी को दूंगी मॉर्निंग में, हल्का सा काली मिर्च नमक डाल के। तो बस हल्का सा पानी डालूँ क्योंकि जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे ये पनीर भी रेडी हो जाएगा। फिर कुछ बर्तन चाय का धुल ली हूँ मैं, और थोड़ी सी बर्तन ये है भी, इसको भी धुल के हटा लूँगी मैं, क्योंकि जब बर्तन धुलते रहो ना तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होता है। तो बाकी सारा वहाँ पे टप में धुल के रख दी हूँ चाय का। और ये जो है इसको भी मैं हल्का सा ये प्लेट लगा के इस पर चकला रख दे रही हूँ। और जो ये सारे बर्तन हैं इससे मैं धुल के हटा लूँ, क्योंकि ठंडी भी बहुत भयंकर है और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे तो फिर वही है, धुलने का मन नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, बर्तन धुल के फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक ये सारे बर्तन को मैं धुल के हटा लूँ, तो बने रहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों, पनीर फाड़ते फाड़ते ना मैं बर्तन भी धुल ली, जो किचन में बर्तन था थोड़ा बहुत दूध का और चाय का, तो मैं धुल ली थी, दूध का था वो भी धुल ली हूँ। और वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आप लोग को ना पापा को मैं अपने मतलब डैडी को सुबह दिखाऊंगी, ठीक, सुबह दिखाऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और हाँ, और एक और बात आप लोग से मुझे करनी है, और वो ये है ना कि आज मैं गोरखपुरिया भोजी का वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो देखी थी, लॉन्ग आज नहीं देखी क्योंकि आज पूरा दिन डैडी को लाने में इधर उधर रह गया। तो मैं शॉर्ट उनका वीडियो देखी, बहुत बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुआ, रोना भी आया दोस्तों। मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं अपने डैडी से मिलने के लिए कितना परेशान हो रही थी, आप लोग देखे थे, रो रही थी। लेकिन ना गोरखपुरिया भोजी का सोचिए, वो तो अपने तीन तीन बच्चियों से दूर हैं, पति से दूर हैं, और उनके पीछे
इतने सारे लोग भी पड़े हैं, उन पे क्या बीत रहा होगा। बहुत बहुत आज मुझे सही बताऊं तो गोरखपुरिया भौजी को देख के बहुत रोना आया। और बस यही हुआ कि बस गोरखपुरिया भौजी जी जो हैं वो सही सलामत अपने घर आए, अपने बच्चों से मिल लें, अपने परिवार के साथ रहें। किससे बात हो रही है? मामी से भी बोल रही है। उड़ी बाबा तो स्टैंड हो ही नहीं रहा है। डैडी डैडी वो कैमरा स्टैंड है, वो ऐसे वाला बोलिए वो डैडी, ऐसे स्टैंड है। बोल। डैडी बहुत ऊंचा सुनते हैं। अम्मा इशारा कर बू हो। काट दीजिए मुझे। ये रहे मेरे डैडी, देख लिया आप लोग। अच्छे से मॉर्निंग में दिखाऊंगी। तो बाय बाय अम्मा, बाय बोला। बाय बाय।